हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे वी आर सॉल्विंग केस स्टडी नंबर डे 23 बीएसटी लेवल ऑडिट ट्रेवर्सल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना फेवरेट ब्राउज़र और उसके बाद ओपन करनी होगी हैकरेंग की ऑफिशियल वेबसाइट को। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको ओपन करना होगा 30 डेज ऑफ कोड के बॉक्स को और क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। तो जो आज हम सोल्व करेंगे वो डे नंबर 23 बीएसटी लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सोल्व चैलेंज पर। तो क्वेश्चन के ओपन होने के बाद आपके सामने सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जिसमें कि बताया कि टुडे वी आर वर्किंग फर्दर विद बाइनरी सर्च ट्री, चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल एंड एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो। तो इस क्वेश्चन के टास्क में बताया है कि ए लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आल्सो नोन एज ए ब्रेथ फर्स्ट सर्च, विजिट ईच लेवल ऑफ ट्री नोड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। यू आर गिवन ए पॉइंटर रूट पॉइंटिंग टू द रूट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। Complete the level order function provided in your editor so that it print the level order traversal of the binary search tree। यानी कि आपको जो है इस क्वेश्चन में एक पॉइंटर गिवन होगा जो कि पॉइंट्स करेगा बाइनरी सर्च ट्री के रूट एलिमेंट को। उसके बाद आपको एक फंक्शन गिवन होगा लेवल ऑर्डर के नाम से, आपको उसको कम्प्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में देखते हैं, आपको जो सबसे पहले इनपुट करना होगा वो टी यानी कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे कि यहाँ पर इसने इनपुट किया था 6, तो आपको जो है 6 डिजिट को इनपुट करना होगा, वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो सैंपल आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये कैसे आए अब उसको समझते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पर इनपुट किया था 6, तो यानी कि ये यहाँ पर 6 डिजिट को इनपुट करने वाले हैं। तो हमारे जो टेस्ट केसेज हुए वो है 6। उसके बाद इनपुट किया 3, तो हमने यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग की। उसके बाद 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसके राइट साइड में आएगा। उसके बाद 4, तो 4 जो है 3 से ग्रेटर है लेकिन 5 से लेस देन है, तो ये 5 के लेफ्ट साइड आएगा। उसके बाद इनपुट किया 7 यानी कि 5 से ग्रेटर है तो इसका राइट साइड आएगा। उसके बाद 2 यानी कि 3 से लेस देन है तो लेफ्ट साइड। उसके बाद 1, तो 1 जो है वो 2 के लेफ्ट साइड आएगा क्योंकि इससे भी स्मॉलर है। तो जो यहाँ पर लेवल बनते हैं वो सबसे पहले लेवल में आएगा 3, लेवल 1 में आएगा 2 और 5, और लेवल 2 में आएगा 1, 4, 7। तो इस तरीके से जो है लेवल को डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल में 3, मिडिल लेवल में 2 और 5, और सबसे डाउन लेवल में आता है 1, 4, 7। तो उसी के हिसाब से जो सैंपल आउटपुट आएगा वो लेवल वाइज आएगा। तो अब चलते हैं अपने हैकरेंग के कोड एडिटर पर और यहाँ पर चल के अपने कोड को टाइप करते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको चूज़ करनी होगी लैंग्वेज जो कि सी होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लो कोड दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है जिसमें कि कुछ मेंबर फंक्शंस है, कुछ डेटा मेंबर्स है, और यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग का नोड था उसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो है मेलो की हेल्प से उसके लिए मेमोरी एलोकेट की हुई है। और उसके बाद वो यहाँ पर चेक करेगा कि जो आपका सबसे फर्स्ट वाला पॉइंटर है वो नल है या नहीं है। अगर वो नल होता है तो उसके बाद उसमें डेटा को फिल करके और रिटर्न कर देगा नोड को यानी सारे एलिमेंट्स को। उसके बाद यहाँ पर कुछ लो कोड और गिवन है, तो उसको देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो नोड को इंसर्ट करने का है, तो यानी कि सबसे पहले नोड का इनपुट लेगा और उसके बाद वो चेक करेगा कि हमारे जो सबसे रूट एलिमेंट है वो नल है या नहीं है। अगर है तो ये नया नोड क्रिएट करेगा और उसमें डेटा को फिल कर देगा। अगर सबसे रूट एलिमेंट हमारा नल नहीं है तो चेक करेगा कि वो राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा। उसके बाद अगर राइट में आता है तो राइट में शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट में आता हो तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इंटीजर्स को डिफाइन किया हुआ है टी और डेटा, टी जो है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेज है और डेटा जो है वो नंबर ऑफ डेटा आइटम्स है एंड जितने हम डेटा को इनपुट करेंगे जितने टाइम्स में। और यहाँ पर वाइल लूप के हेल्प से सारे डेटा को इनपुट किया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट योर कोड हेयर, तो हमें अपना कोड को यहीं से टाइप करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन पहले से क्रिएट है void level order node root, तो हमें इसी के अंदर टाइप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटीजर बनाने वाले हैं, तो इंट जिसका नाम होगा एच, यानी कि जो डिनोट करेगा हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री या फिर आप बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। तो एच के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हाइट के नाम से जो फंक्शन होगा उसके थ्रू आएगी। अब हाइट नाम का फंक्शन भी हमको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर टाइप करते हैं इंट
हाइट, नोड, स्टार रूट, और इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ और एल्स की हेल्प से। इफ़ अगर हमारा जो रूट एलिमेंट है वो होता है नल, तो उसके लिए जो कंडीशन लगेगी रिटर्न ज़ीरो, यानी कि अगर हमारा रूट एलिमेंट होता है नल तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। और एल्स के अंदर एक इंटीजर क्रिएट करते हैं इंट, इसका नाम होगा लेफ्ट हाइट, जो कि डिनोट करेगा बाइनरी ट्री की लेफ्ट साइड की हाइट को। हाइट रूट पॉइंट्स टू लेफ्ट एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पर एक इंटीजर और बनाते हैं, इसका नाम होगा राइट हाइट, जो कि डिनोट करेगा राइट साइड की हाइट को। तो यहाँ पर जो है हमने लेफ्ट साइड की हाइट को फाइंड कर लिया है और राइट साइड की को भी। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगाते हैं, इफ लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट, तो रिटर्न करेगा लेफ्ट हाइट प्लस वन। और एक एल्स कंडीशन में अगर हमारा लेफ्ट हाइट स्मॉलर देन होता है राइट हाइट से, तो रिटर्न करेगा राइट हाइट प्लस वन। तो अभी अपने वापस चलते हैं कोड पर, और यहाँ पर हमने जो हाइट थी वो फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है, यहाँ पर हमें एक फॉर लूप को चलाना होगा। तो टाइप करते हैं फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज लेस देन हाइट और आई प्लस प्लस। तो ये जो फॉर लूप होगा वो एक कंप्लीट बीएसटी को प्रिंट करेगा, यानी कि उसके हर एक लेवल को। तो उसके लिए टाइप करते हैं प्रिंट ईच लेवल। तो ये जो फंक्शन है उसके अंदर दो वैल्यू आएगी, रूट और आई। तो अब हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना होगा प्रिंट लेवल ईच को। तो इसके लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना होगा जिसका रिटर्न टाइप होगा void और नाम होगा प्रिंट ईच लेवल। और जो इनपुट करेगा वो नोड स्टार रूट इंट लेवल। तो यानी कि जो नोड था उसको इनपुट करेगा, और साथ साथ जो उसका लेवल है ये उसको भी इनपुट करेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ रूट एलिमेंट इक्वल टू नल, तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन और लगाते हैं की हेल्प से, अगर लेवल इक्वल टू ज़ीरो होता है तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी प्रिंट परसेंटाइल डी। अगर हमारे यहाँ पर लेवल होता है ज़ीरो, तो लेवल ज़ीरो में ये प्रिंट करता है सबसे जो रूट एलिमेंट था उसको, और एल्स में लगाते हैं कंडीशन। अब यहाँ पर बारी आते हैं लेवल नंबर वन टू और ऐसे एक्सेप्टर सारे लेवल्स की। तो यहाँ पर टाइप करते हैं प्रिंट ईच लेवल, यानी ये जो हमारा फंक्शन था हम इसको दोबारा से कॉल करते हैं, तो यानी कि हम इसको रिकर्सन भी बोल सकते हैं। तो टाइप करना होगा रूट लेफ्ट और लेवल माइनस के वन। तो यहाँ पर उसको लेवल भी बता देगा कि उसका लेवल क्या है। तो ये था हमारा लेफ्ट साइड के लिए। अब कॉल करते हैं राइट साइड के लिए, तो उसके लिए भी सेम टाइप करना होगा प्रिंट ईच लेवल रूट, और ये पॉइंट्स करेगा राइट साइड के एलिमेंट को।
और साथ ही साथ प्रिंट कर देगा उसके लेवल को। तो अभी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो क्लिक करना होगा रन कोड पर, तो यहाँ पर एक एरर आई हुई है, कंपाइलेशन एरर। तो यहाँ पर जो एरर है वो है लाइन नंबर 46 में, यानी कि टर्मिनेशन टाइप नहीं किया है हमने। तो लाइन नंबर 46 यानी कि यहाँ पर प्रिंट वाली लाइन में टर्मिनेशन। तो अब इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, हमारा जो आंसर है वो लगभग सेम ही है, लेकिन जो इनका आंसर है उसमें एक स्पेस गिवन है, लेकिन हमारे आंसर के बीच में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए देखते हैं। तो इन वैल्यूज़ के बीच में स्पेस देने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा प्रिंट लाइन में, यानी कि लेवल 0, और परसेंटेज डी के बाद हमें यहाँ पर एक स्पेस को इंसर्ट कर देना है। और इसको दोबारा से रन कोड करते हैं, तो इस बार हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही है लिखा है। कंग्रेचुलेशन, योर कोड इज़ सक्सेसफुली कंपाइल। तो इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज आता है वो सक्सेस का आता है, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपका क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो अभी वापस चलते हैं 30 डेज ऑफ कोड पर। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि हमने डे 0 से डे नंबर 23 तक सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। तो इस बार जो बारी होगी वो होगी डे नंबर 24, यानी कि मोर लिंक लिस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।